आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, किसान आंदोलन को लेकर विवाद देसी बनाम विदेशी हस्तियों का हो गया है। जी हां, अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया, जिसके खिलाफ बॉलीवुड के सितारों से लेकर क्रिकेटर्स तक उतर आए हैं। सचिन तेंदुलकर ने रिहाना को यह कहकर जवाब दिया है कि भारतीय ही भारत को जानते हैं। लता मंगेशकर ने भी इस मामले में ट्वीट किया है, लेकिन सवाल यह है कि कुछ विदेशी हस्तियों के ट्वीट भारत की बदनामी कैसे कर सकते हैं। एक कामयाब बिजनेस वुमन भी है जो अमेरिका में स्टाइल का दूसरा नाम है, फिर भी भारत के ज्यादातर लोग रिहाना के नाम से अनजान थे। अमेरिकी पॉप सिंगर का परिचय देश की एक बड़ी आबादी ने उनके इस ट्वीट के बाद जाना। मंगलवार रात 8:59 पर रिहाना ने किसान आंदोलन पर एक ट्वीट किया। उन्होंने CNN की एक स्टोरी का लिंक शेयर करते हुए लिखा, आखिर हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इस ट्वीट के बाद रिहाना भारत में ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। सबकी जुबान पर रिहाना नाम चढ़ गया। रिहाना मूल रूप से वेस्ट इंडीज के बारबाडोस की रहने वाली है। उनका पूरा नाम रोबिन रिहाना फेंटी है। उनके 90% म्यूजिक एल्बम हिट रहे हैं और फिलहाल वो अमेरिकी नागरिक है। कुल मिलाकर भारत से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। उनके इस ट्वीट से हैरान रह गए। मानना मेहमान तू मेरा मेहमान की कहावत की तर्ज पर रिहाना सवालों में आ गई। सवाल उठने लगे कि भारत के आंदोलन में रिहाना का 8 बार ग्रैमी सम्मान मिल चुका है। कुल मिलाकर वो शोहरत की बुलंदियों पर बैठी है। यही वजह है कि अपने एक ट्वीट से उन्होंने भारत में चल रहे किसान आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। दुनिया की तरह भारत में भी वो चर्चा का केंद्र बन गई। पूछा जाने लगा कि सात समंदर पार म्यूजिक और स्टाइल की दुनिया में जीने वाली रिहाना भारत के किसानों के बारे में कितना जानती है। रिहाना भले ही कितनी भी बड़ी सिंगर हो, कामयाब बिजनेस वुमेन, लेकिन वो कृषि कानून के बारे में कितना जानती है। क्या किसानों की समस्या के बारे में उनकी रुचि कहीं भारत के खिलाफ साजिश तो नहीं। इन सवालों की वजह रिहाना के ट्वीट के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज का किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट। पॉप सिंगर रिहाना के भारत विरोधी सुर में नॉर्वे की 18 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी सुर मिलाया। हॉलीवुड एक्ट्रेस अमांडा, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस और पूर्व पॉर्न स्टार मिया खलीफा समेत विदेश की कई नामी ग्रामीण शख्सियत भी ट्वीट करके किसानों के साथ खड़ी हो गई। अचानक अंतर्राष्ट्रीय सितारों का साथ मिलने से आंदोलन चला रहे किसान एकता मोर्चा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने अपने ट्विटर हैंडल से रिहाना का शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन किसान आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीयकरण विदेश मंत्रालय को नागवार गुजरा। विदेश सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एक बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए ट्वीट में लिखा गया है, सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग और कमेंट से लुभाने का तरीका, खासकर जब मशहूर हस्तियां और दूसरे लोगों द्वारा किया गया हो, तो न ये सटीक है और न ही जिम्मेदाराना है। इस तरह के मामलों पर टिप्पणी करने से पहले तथ्यों का पता लगाया जाए और मुद्दों को ठीक से समझा जाए। विदेश मंत्रालय की दलील में दम है, क्योंकि भले ही आंदोलन कर रहे किसानों को कृषि बिल पर एतराज हो, लेकिन मतभेद मिटाने की कोशिश की जा रही है। 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार बिल को कुछ वक्त के लिए टालने को भी राजी है। इस तरह वो सारे काम किए जा रहे हैं जो किसी लोकतांत्रिक देश में होते हैं और जिन्हें किया जाना चाहिए। ऐसे में रिहाना का ये ट्वीट भारत की छवि को खराब कर सकता है। यही वजह है कि सरकार की तरह कांग्रेस भी रिहाना और उनके जैसी विदेशी शख्सियतों के ट्वीट को दखलंदाजी मान रहा है। ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। एब्सोल्युटली द रेपुटेशन ऑफ इंडिया हैज टेकन अ मैसिव हिट, नॉट ओनली ऑन हाउ वी आर ट्रीटिंग आवर फार्मर्स, ऑन हाउ वी ट्रीट आवर ओन पीपल। आमतौर पर बड़ी शख्सियत जो होती है वो विवाद से बचती है, लेकिन रिहाना के साथ उल्टा है। फिलिस्तीन की आजादी से लेकर म्यांमार में हुए तख्तापलट पर रिहाना खुलकर अपनी राय रखती हैं, जिससे वो कई बार मुश्किल में पड़ चुकी हैं। भारत में भी रिहाना का आलोचना हो रही है। सवाल ये है कि भारत ने विदेशी हस्तियों के ट्वीट पर इतनी कड़ी प्रतिक्रिया क्यों दी, खास करके बॉलीवुड ने। ऐसी सिंगर माना जाता है जो अपनी बात खुलकर रखती है। बेफिक्री उनके अंदाज का अभिनंग है, इसीलिए उनके जितने चाहने वाले हैं उतने ही आलोचक भी हैं। अपने एक ट्वीट से वो भारत में निशाने पर है। रिहाना को सबसे तगड़ा जवाब कंगना रनौत की तरफ से मिला, जिन्होंने रिहाना के खिलाफ ट्वीट की छड़ी लगा दी।
कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है क्योंकि वे किसान नहीं हैं, बल्कि आतंकवादी हैं, जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हमारे टूटे हुए राष्ट्र पर कब्जा कर सके और इसे यूएसए की तरह एक चाइनीज कॉलोनी बना सके। बैठ जाओ बेवकूफ, तुम जैसी कठपुतली की तरह हम अपने राष्ट्र को नहीं बेच रहे हैं। कंगना के इस ट्वीट की काफी चर्चा हुई, लेकिन कंगना दिलजीत के इस गाने से बिफर गई और दोनों के बीच एक बार फिर ट्विटर युद्ध छिड़ गया। इसको भी अपने 2 रुपए बनाने हैं, ये सब कब से प्लान हो रहा है? वीडियो की तैयारी और इसके ऐलान में 1 महीना तो कम से कम लगेगा ही, और ये लिब्रू चाहते हैं कि हम उन पर विश्वास करें। कंगना की इस आलोचना का दिलजीत ने भी जवाब दिया, लेकिन रिहाना को लेकर बॉलीवुड एक तरफा खिलाफ हो गया। अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, किसान हमारे देश के अहम अंग है, उनके मुद्दों को हल करने के लिए की जा रही कोशिशें दिखाई दे रही हैं। मतभेद पैदा करने वाले किसी व्यक्ति पर ध्यान देने की जगह एक सौहार्द संकल्प का समर्थन करें। अक्षय कुमार की तरह अजय देवगन भी रिहाना के खिलाफ उतर आए और उन्होंने रिहाना के ट्वीट को झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया। भारत या भारतीय नीतियों के खिलाफ किसी भी झूठे प्रोपेगेंडा में आने की जरूरत नहीं है, इस घड़ी में एकजुट रहना ही अहम है। सुनील शेट्टी, करण जौहर ने भी रिहाना को आईना दिखाने वाले ट्वीट किए, जबकि रिहाना की बात से सहमति जताने वालों ने बॉलीवुड के बाकी सितारों की चुप्पी पर सवाल उठाए। इस तरह अमेरिका की एक पॉप सिंगर ने किसानों के मुद्दे पर मतभेद को और गहरा कर दिया। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।